वैसे जो मैरिड लोग होते हैं, जो खवातीन होती हैं, उनका पहला दिन, या जैसे हम लड़की हैं तो हम पहला दिन देते हैं अपनी फैमिली को, हाँ, फिर दूसरे दिन में आओ अपने फ्रेंड्स वगैरह का। असल में अगर आप कहीं बाहर जाएँ ना अपनी फैमिली के साथ, तो पहले दिन रश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फैमिली के साथ इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सेकंड डे जो है ईद पे वो फैमिली के साथ, बाकी फर्स्ट डे फ्रेंड्स के साथ, इसलिए। अच्छा शाहजेब, तो गुजारते हैं भाई अपना पहला दिन दोस्तों के साथ और दूसरा दिन फैमिली के साथ, तो इसी के साथ ही हम इनसे अच्छा सा सॉन्ग भी सुन लेते हैं। शाहजेब अब क्या सुना रहे हैं आप? डेडिकेशन की बात कर रही थी, डेडिकेशन की बात कर रही थी, तो मैडम नूर जहाँ की गजल है। किसे डेडिकेट कर रहे हैं? ये मैडम नूर जहाँ को नियत शो नहीं बताएगा आपने, आपने बस गौर करना है लिरिक्स पर, ठीक है, और फील करना इस बात। नियत शोक भर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको दे जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, नियत शोक भर न जाए कहीं। वेरी नाइस, मेरी फेवरेट, नाइस। अच्छा बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आपको किस तरह के सॉन्ग गाना आपको आसान लगता है, जैसे अभी आपने ये सॉन्ग, हाँ, इस तरह से, फिर आतिफ असलम का आपने पहले सुना, तो किस तरह के आपको इजी लगता है कि ये आराम से गाए जाते हैं? मेहनत तो लगती ही है, लेकिन आपकी अपनी पसंद के बारे में पूछ रहा हूँ। पसंद पॉप सॉन्ग्स, जैसे आतिफ असलम के जिस तरह के गाने होते हैं, आतिफ असलम, अरिजीत सिंह के जिस तरह के गाने होते हैं, पॉप सॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, क्लासिकल मुश्किल होता है, लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि क्लासिकल को ज़्यादा उठाया जाए, हाँ जी, क्लासिकल को ज़्यादा कोशिश होती है कि क्लासिकल गाएं,
तो कौन से टाइप को सीखने से, मतलब आप एक सिंगर जो नया नया है तो उसको कौन सी साइड से शुरू करना चाहिए कि उसको आ जाए मतलब मौसीकी की तरफ उसका? वैसे तो आवाज़ तो खुदा की देन होती है अच्छी, लेकिन उस पर मेहनत करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कौन सी साइड से उसको शुरू करना चाहिए? जो सिंगर है वो रियाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हारमोनियम पर रियाज ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रियाज करें। और उसके अलावा जो सिंगर है ना, वो उसको जो अता हुई है अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, तो वो जिस चीज़ पर भी मेहनत करेगा वो उसके लिए आसान प्रूव कर लेगा, उसको ग्रूम कर लेगा। हाँ, तो जो जिसको शौक़ होता है ना कि जस्ट मुझे शौक़ है सिंगिंग का और गा नहीं सकते वो, तो वो चाहे जितना मर्ज़ी सीख लें वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, सीखने से नहीं हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो बस यही चीज़ है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं अच्छी होती, ये मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, किसी एक की बुनियाद पर नहीं कह रही, लेकिन उनको वैसे परफॉर्मेंस का या लोगों में बैठ के गाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन आवाज़ कहना नहीं चाहिए, मेहनत करो तो नहीं मतलब इतनी ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। साथ फतेह अली खान इसलिए डेडिकेशन की है मैडम नूरजहां की, क्योंकि उन्होंने जो जो चाहत फतेह अली खान जो भी है उन्होंने बदोबदी वो जो ओरिजिनल जो है वो मैडम नूरजहां का, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और बल्कि ये तो पता नहीं उसको अच्छा हुआ है कि उसके यूट्यूब से कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया। एक बच्चे ने लगाया हुआ था मीम थी कि वो कहता है मेरे दादा अबू पिछले 10 साल से जो है कहते हैं कोमा में थे, तो जैसे ही मैंने ये गाना चलाया उन्होंने उठ के बंद कर दिया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चाहत का कि उसकी वजह से मेरे दादा कोमे से बाहर आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा। शाज़िब आप देखेंगे उसको 18 मिलियन यार व्यूज़ मिले हुए हैं, मतलब अब सोच के देखें, अब आप जैसे देखें कितनी मेहनत करें, कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो हमारी ऑडियंस को क्या मसला है कि 18 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं? 28 मिलियन व्यूज़ थे सर मेरे, जहाँ तक मैंने सुना था वो 18 मिलियन 28 मिलियन व्यूज़ थे, उसके बाद वो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गई है वीडियो भी उसकी। अब उनकी रोने की वीडियो भी उनकी सामने आई थी। हाँ जी, नहीं टैलेंटेड लोग भी बहुत ज़्यादा हैं मुल्तान में, सिर्फ मुल्तान की बात करूँ, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ अगर जैमिंग के लिए मैं कहीं पर गया हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई मुझे ज़रूर मिल जाता है जो जिसको भी शो जिसको शौक होता है सिंगिंग का, और वो बहुत अच्छी आवाज़ होती है उसकी। मैं बल्कि आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, मैं लास्ट टाइम गया था एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हम जैमिंग कर रहे थे फ्रेंड्स वगैरह, तो हम पैकअप कर लिया था जाने लगे थे बस, तो दो लड़कियाँ आईं तो आगे बैठी, उन्होंने गाने सुने तो उन्होंने रिक्वेस्ट की एक सॉन्ग की कि एक सॉन्ग कर दें, मैंने गाना सुना दिया। उसके बाद जब मैंने पैकअप कर दिया जाने लगा मैं, अब मुझे नहीं पता था कि ये सिंगर हैं कौन है क्या नहीं है, तो बैठे बैठे उन्होंने गाना गाया अचानक से ही, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, इतनी प्यारी आवाज़ थी। अब मैं अचानक देख के शॉक्ड हुआ कि इन्होंने मुझे शो नहीं करवाया कि मैं भी सिंगर हूँ, उन्होंने बस रिक्वेस्ट की सॉन्ग की, और मैंने ये देखा कि आप में इतना टैलेंट है, आप माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप सिंगिंग करती हैं। असल में वो थी स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने जो गाना सुनाया, मतलब बताने का मकसद ये है कि टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और कदर नहीं है, बस हर जगह कहीं पर भी आप चले जाएं किसी ना किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होगा। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि आज कल लोग इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, सीरियस पर्सन बहुत कम है, थोड़ी सी एंजाइटी लोगों में ज़्यादा है, डिप्रेशन लोगों में ज़्यादा, तो लोग जो इंटरटेनमेंट की तरफ भाग रहे हैं, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि जैसे अभी जहाज फतेह अली खान साहब की बात हो रही थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है कि ये वाला गाना जो है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए तो शायद हो सकता है कि लोगों ने सुना हो, लेकिन इसमें जब अहमियत दी जाती है ना इस तरह की, तो फिर पूरे पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि बहुत टैलेंट है, तो फिर उनकी जो है वो हौसला अफजाई नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो बैकफुट पे चले जाते हैं बकायदा, तो डिसहार्ट हो जाता है। अभी शो में अगर वो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, वैसे मैंने नहीं देखा, तो आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, मैंने जब टिकटॉक की मीम्स पे मैंने वो देखा है, तो जैसे हम लोग अब अपने इधर शो में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर कोई देख रहा होगा तो वो अगर होता यूट्यूब पे तो वो जाके देखता कि यार ये बात हो रही थी, क्या चाहत फतेह अली खान ने गाया है या क्या है, तो वो डेफिनेटली वो जाके देखता। तो इसमें यानी कि ये है कि जहाँ जो बात होती है तो लोग फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखते हैं, तो शायद इसी वजह से 28 मिलियन पहुँच गए। अब हम भी कोई यूट्यूब पे ऐसा कोई एक आधा सॉन्ग डालते हैं। असल में वो मसला ये था कि उसने जो अपना नाम रखा था ना, वो बड़ा चुन के रखा था चाहत फतेह अली खान, ठीक है, और उसका जो गेटअप था और उसका जो स्टाइल था वो भी अट्रैक्ट किया ना लोगों, जिसकी वजह से लोगों ने उसे बड़ा मीम्स उसकी बनाई,
और बस इसी मीम्स की वजह से ही वो फेमस हुआ। एग्जैक्टली वही एंटरटेनमेंट ही आ गई ना। वाकई कोई ताल्लुक वगैरह था ये इनकी फैमिली के साथ? कोई ताल्लुक नहीं, कुल नहीं, ये तो जस्ट ऐसे नाम रखा हुआ उसने, उसका नाम चाहत डिफरेंट आई थिंक उसका कुछ ना कोई और नेम है, नेम भी डिफरेंट है, ये वाला नेम नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों तशरीफ लाए और ईद के इस मसरूफ दिन में आपने मेरे शो में टाइम दिया। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया हमना कि आपने आज के शो में हमें बुलाया, एक बहुत यादगार मेमोरी हम लोगों ने आज बनाई इधर के। और मेरा पैगाम ये देना चाहूँगी, ईद के दिन सबसे घुले मिलें, सबको टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, फ्रेंड्स को टाइम दें, जिससे किसी से गिले शिकवे भी हैं, रंजिशें भी हैं, उसको भी भुला के उसे भी गले मिलें और ईद को सेलिब्रेट करें। आप क्या पैगाम दें? अच्छा, एज इट इज़ बिल्कुल ईद का दिन है, मिलने का दिन होता है, मिलने मिलाने का, सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस ईद के दिन जो है वो हमें उनसे भी मिलना चाहिए कि जिनसे हमने अभी काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है, और हमें ऐसा करना चाहिए कि उनसे मिलना चाहिए, तो उनसे बगैर तौर पर मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो है अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए, क्योंकि ईद का दिन, ये कुर्बानी की जो ईद होती है वो होती ही इस चीज़ के लिए कि दूसरों के ऊपर जो ज़रूरतमंद है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा तो इसी के ऊपर ध्यान दें और बाकी खुश रहें और सबके साथ जो है वो ईद एंजॉय करें। ये जो डिस्टेंस वाली रुकैया ने बात की, मुझे लगता है कि ये डिस्टेंस हमारे वाली बात होगी क्योंकि हम भी डिस्टेंस के साथ निकल रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ कि मैसेज करने होना चाहिए बैठे बैठे मैसेज, पहले तो मैसेज यहीं कन्वे हो गया, नाजरीन तक पहुँचेगा तो ज़्यादा कन्वे हो जाएगा। अच्छा शाहजेब, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरा मैसेज यही है बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिन लोगों से आपकी नाराज़गियाँ चल रही हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, वो अपनी नाराज़गियाँ ख़त्म करके, ईद की खुशी खुशी का दिन है तो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करें इस ईद को और इन्जॉय करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, और जैसे तमाम गेस्टों ने पैगाम भी दिया कि जिन लोगों से रंजिश हैं, नाराज़गियाँ, उनसे मिलें और ना सिर्फ लोगों से मिलें बल्कि मिल बैठें, खाएं पिएं, क्योंकि ये ईद ही खाने पीने की है। तो आज की जो ट्रांसमिशन है, जो प्रोग्राम है, यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन लास्ट में शाहजेब आपसे एक सॉन्ग ज़रूर सुनेंगे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे गेस्टों को इजाज़त दीजिए, लेकिन लास्ट में शाहजेब के सॉन्ग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। करना है तो प्यार कर, पूरी फिर इंतजार करना।